दोस्तों क्वेश्चन जो हमारे पास वो है, अ सोप बबल हैविंग रेडियस 1 mm इज ब्लोन फ्रॉम अ डिटर्जेंट सॉल्यूशन हैविंग अ सरफेस टेंशन दिस द प्रेशर इनसाइड द बबल इज इक्वल्स एट अ पॉइंट जेड नॉट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन अ कंटेनर टेकिंग जी एज दिस डेंसिटी एज दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन सिंपल है कि एक डिटर्जेंट सॉल्यूशन है उसमें से हमने एक बबल को फुलाया और उसको छोड़ दिया। ठीक है, और उसके अंदर जो प्रेशर है जिसकी सरफेस टेंशन ये है। ठीक है, सरफेस टेंशन किसी भी सरफेस की डिफाइन करते हैं। ठीक है, वो आप सरफेस टेंशन आपने पढ़ा होगा उसमें। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेशर इनसाइड जो है बबल वो क्या पाया गया, वो ये पाया गया कि कोई एक वाटर का कंटेनर है उसके जेड नोट डिस्टेंस के नीचे, मतलब z बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। फ्री सरफेस तो ये है, ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस के z नोट नीचे यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रेशर जो है वो किसके बराबर है, जो इसके साथ अंदर प्रेशर है। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रेशर जो होता है इनसाइड बबल वो कैसे निकालते हैं, वो एक्चुअल में ज्यादा होता है, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है उससे ज्यादा होता है। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, वो ऐसे निकालते हैं, बबल में दो सरफेस होते हैं, एक अंदर का सरफेस एक बाहर का सरफेस, तो दोनों पे सरफेस टेंशन लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसको हम काटते हैं तो काटेंगे तो ऐसा सरफेस निकल के आएगा, तो बाहर तो PATM है इसके ऊपर जो इसके सरफेस पे लग रहा है, और अंदर जो है इसके सरफेस पे जो लगेगा वो क्या लगेगा, पी इनसाइड लगेगा। ठीक है, जो हमें निकालना, और सरफेस टेंशन क्या होगी, इधर लगेगी। ठीक है, क्यों लगेगी, क्योंकि तो तभी तो ये प्रेशर जो है सरफेस टेंशन हमेशा खींचता है। ठीक है, तो तभी तो ये खींचेगा, और दूसरी बात ये भी जो शेप हमारा ऐसा है ये तभी आएगा ना जब ये अंदर की तरफ ज्यादा होगा बाहर की तरफ कम होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फोर्स को बैलेंस करेंगे एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स तो कोई है नहीं अगर हम देखें तो, नीचे वाले की बात नहीं कर रहे हम, इस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन में कोई फोर्स तो है नहीं, तो फोर्स जो आएगी वो क्या आएगी, PATM, और जो एरिया जो निकल के आएगा प्रोजेक्टेड एरिया आएगा पूरे सरफेस का प्रोजेक्टेड एरिया यही होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो होगा ये कितना होगा, तो ये आ जाएगा पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन है 2πr, ये 2πr एक r ले लिया और फिर ये dr ले लिया। ठीक है, तो r प्लस dr आएगा उसके लिए, दूसरे के लिए, लेकिन dr जो है आपको पता है ये बबल की थिकनेस कितनी होती है तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, r के बराबर ही मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दो आ गया, और इनसाइड जो है इसके लिए भी सरफेस प्रोजेक्टेड एरिया यही आएगा पाई आर स्क्वायर, तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा, इनसाइड पी नॉट बोल दो अपॉन 4σr। ठीक है, अब से क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, तो अभी क्या बोला है, पी इनसाइड जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए, इन दोनों को इक्वेट कर दो आप, इक्वेट करेंगे तो पी नॉट प्लस 4σr इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। ये तो अपने को पता ही है ना, कंटेनर से नीचे की तरफ प्रेशर कैसे बढ़ता है, रो जी एच से बढ़ता है। ठीक है, तो जी एच कितना है, जेड नॉट, पी नॉट से पी नॉट गया तो जेड कितना आया, जेड जो आया हमारा वो आया 4σr रो और जी। तो 4 की वैल्यू ये, सिग्मा की वैल्यू कितनी थी 2.5 × 10⁻², और r जो था ये कितना था 1 mm, तो 1 mm जो है वो किसके बराबर होता है 10⁻³ मीटर। सबको ऐसा ही मीटर को लेना है 10⁻³, तो ये कितना हो जाएगा, रो जो है 10⁻³ होता है और जी जो है कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये इससे ये कटा, और ये 4 × 2.5 × 10 होता है, इससे ये कटा तो ये 10⁻²। ठीक है, तो ये कितना सेंटीमीटर हो गया, 1 cm। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। Thank you.